Hello dear students, welcome in the class of mathematics. Our today's topic is examples on probability. So let us first quickly revise the previous topic. So हमारे previous lecture में हमने देखा first definition of probability. Probability की definition हमने देखी. वो definition होती है when possibility of an expected events is expressed in numbers, it is called as probability. Expected events की जो possibility होती है उसे जब हम numbers में express करते हैं तो उसे कहते हैं probability. And second, probability of given event. जो हमें event दिया है उसकी हमने probability निकाली by using formula. Probability of A equals to number of element in A upon number of element in S. तो इस तरीके से हमने probability निकाली. So previous lecture हम continue कर रहे हैं तो learning outcomes same ही रहेंगे. So after watching this video, you will be able to define the probability and find the probability of each event. So let us start our today's class of examples on probability. अब हम probability के कुछ और examples solve करते हैं. So first example, there are 15 tickets in a box, each bearing one of the numbers from 1 to 15. एक box में 15 tickets हैं एंड उसके ऊपर क्या नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 15 तक नंबर लिखे हुए हैं. सो वन टिकट इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स. बॉक्स में से कोई भी एक टिकट रैंडमली उन्होंने निकाली. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन फर्स्ट शोज एन इवेंट नंबर. यानी कि इनमें से जो टिकट निकाली है वो क्या दिखाती है, इवन नंबर दिखाती है. ये इनका पहला इवेंट है. एंड दूसरा क्या है, शोज़ अ नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5. वो टिकट के ऊपर कैसे नंबर है, मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 का टेबल. ठीक है, सो 15 तक. तो ध्यान से देखिए, ये एग्जांपल हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. सो सबसे पहले हमें सैम्पल स्पेस लिखना पड़ेगा. सो सैम्पल स्पेस इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. उसे क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस. तो अब आप बताइए कि अगर 1 से लेकर 15 तक यहाँ पे टिकट्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको कहा जाए कि कोई भी एक टिकट निकालिए, तो बताइए कि वो नंबर कौन सा हो सकता है. सो आप बता सकते हो क्या, क्योंकि ये नंबर 1 भी हो सकता है, जो आप टिकट निकालने वाले हो उसके ऊपर 2 भी लिखा हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 up to 15. यानी कि पॉसिबिलिटी क्या है, इनमें से 1 से लेकर 15 तक कोई भी नंबर की टिकट आने की पॉसिबिलिटी है. सो यहाँ पे हम वो सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे. तो कौन सी टिकट आ सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. क्योंकि टिकट्स के नंबर कहाँ तक है, 15 तक. तो इनमें से कोई भी नंबर की टिकट हम निकाल सकते हैं. सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने हो गए, इसे काउंट करते हैं, कितने हो गए ये, 15. तो इस तरीके से हमने पहले सैम्पल स्पेस निकाल लिए हैं. अब हम क्या निकालते हैं, इवेंट. सो हमारा पहला इवेंट है इवेंट, उसे हम ए से डिनोट करते हैं. एंड वो क्या है, शोज़ एन इवन नंबर, एन इवन नंबर. सो देयरफॉर ए के अंदर के एलिमेंट्स लिखते हैं. अब हम टिकट जो हम वो निकाल रहे हैं उसके ऊपर कौन से नंबर आने चाहिए, इवन नंबर. यहाँ पे ए यानी क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फेवरेबल आउटकम्स. और वो फेवरेबल एंड एक्सपेक्टेड इवेंट क्या है, इवन नंबर. तो इनमें से जो भी इवन नंबर है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा. सो आपको पता है ये ऑड इवन, ऑड
इवन, ऑड इवन, एक ऑड एक इवन, ऐसे नंबर है तो हमें कौन सा नंबर लिखना है? इवन नंबर। तो कौन सा है वो? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, तो 1 से लेकर 15 के बीच के ही हमें क्या लेने हैं यहाँ पे? इवन नंबर्स। एक बार चेक करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो गए? ए के अंदर के सैम्पल पॉइंट काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो गए हैं 7। सो अब ये इवेंट की हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट हैं? सो बोले इसके अंदर कितने इवेंट निकाले हमने? सैम्पल पॉइंट 7। एंड यहाँ पे कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल पॉइंट इज 15। सैम्पल स्पेस के अंदर कितने यहाँ पे एलिमेंट्स हैं? पॉइंट्स हैं 15। सो हमारे पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 7/15। ये पॉइंट में आता है, ध्यान से देखिए, छोटा नंबर ऊपर है एंड जो बड़ा नंबर है यानी सैम्पल स्पेस जो बड़ा होता है एंड इवेंट सबसेट होता है वो नंबर बड़ा नंबर नीचे है। सो हमारा आंसर 0 पॉइंट में आ रहा है। और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कैसे रहती है? लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 के बीच में ही उसकी वैल्यू होती है। तो ये इवेंट फर्स्ट हो गया। अब हम सेकेंड इवेंट भी निकाल लेते हैं। सो हमारा सेकेंड इवेंट क्या है? अ नंबर विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सैम्पल स्पेस नज़र आ रहा है आपको। कितने टिकट है? 15 टिकट। 15 टिकट में से कोई भी एक निकालना है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है? 15 पॉसिबिलिटी। अब हमें ये सेकेंड इवेंट का क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी। सो सबसे पहले इसके अंदर के सैम्पल पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। अ नंबर, ऐसा नंबर आना चाहिए टिकट निकालने के बाद, वो कैसा होना चाहिए? विच इज़ मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 यानी क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 का टेबल आपको याद आना चाहिए। सो देयरफॉर बी इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स। तो बताइए यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 के टेबल में हम ज़रा 5 का टेबल बोलते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। लेकिन यहाँ पे 15 हमारी लास्ट लिमिट है, तो हम बाहर का कोई भी एलिमेंट नहीं ले सकते। ठीक है, सो बी के अंदर कैसे एलिमेंट लिखने हैं हमें? मल्टीपल ऑफ 5। सो वो कौन कौन से हैं हमने अंडरलाइन कर लिए हैं? 5, 10, 15। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हो गए? काउंट करते हैं, 1, 2, 3। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है मल्टीपल ऑफ 5 की? 1, 2, 3। सो वो है 3। सो अब इसकी हम क्या निकाल लेते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी ही रहेगा, एंड नीचे क्या होता है? बड़ा सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? 3। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने हैं? 15 टिकट्स है ना, तो 15 पॉसिबिलिटीज़ है। ये रिड्यूस होता है क्या? नहीं। सो हमारे सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/15। एंड ये वैल्यू भी पॉइंट में आती है। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं हमें पता ही है, उसमें से कितने कार्ड निकाले? अ कार्ड यानी एक कार्ड ड्रॉन किया, निकाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज, इसे कहते हैं इवेंट। द कार्ड ड्रॉन इज एन एस एंड सेकेंड अ स्पेड कार्ड। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सैम्पल स्पेस। तो आप बताइए यहाँ पे कितने कार्ड्स होते हैं? 52। वो कैसे होते हैं? 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, हार्ट कार्ड्स, डायमंड कार्ड्स, स्पेड कार्ड्स एंड क्लब कार्ड्स। 13, 13, 13, 13 मिला के कितने हो गए? 52 कार्ड्स।
तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं सैम्पल स्पेस के अंदर के एलिमेंट्स. सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने हो गए, 52. क्यों? क्योंकि इन 52 कार्ड्स में से हमें एक कार्ड निकालना है. तो आप बता सकते हो क्या वो कौन सा कार्ड है? नहीं बता सकते. वो 52 में से कोई भी कार्ड हो सकता है. मतलब कार्ड निकालने की पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, 52. पूरे 52 कार्ड्स निकल सकते हैं एक एक कार्ड अगर हम निकालें तो. ठीक है, सो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी है एक कार्ड निकालने की, 52. सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस इक्वल्स टू कितने हो गए, 52. अब हम देखते हैं हमारा पहला इवेंट. सो पहला इवेंट क्या है, इवेंट ए एन एस. ये जो एन एस है इसे हमने इवेंट ए से डिनोट कर दिया है. अब देखिए एन एस यानी उसे कहते हैं मराठी में एक का. तो ये कितने होते हैं एस, तो हमारे पास चार टाइप के कार्ड्स हैं, हार्ट डायमंड स्पेड एंड क्लब. एंड हर टाइप के कार्ड में एक एस होता है. तो ऐसे टोटल कितने एस हो गए हैं, 4. सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू कितने हो गए हैं, 4. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएंगी, फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस. सो कितने हैं यहाँ पे, 4 एस है. एंड टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52. ठीक है, तो ये जो 4/52 है आप इसे रिड्यूस भी कर सकते हो. कितने आएंगे, 2 के टेबल में आप इसे रिड्यूस कर सकते हो. ठीक है, रिड्यूस होता है तो करना है और नहीं होता है तो आप नहीं करेंगे. सो यहाँ का नंबर अगर रिड्यूस हो रहा है तो हम उसे रिड्यूस करेंगे. सो 4 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं तो यहाँ पे 1 एंड ये 13. यानी देखिए छोटा नंबर ऊपर है बड़ा नंबर नीचे है, तो हमारा आंसर पॉइंट में आएगा. ठीक है, सो एन एस, तो कितने एस होते हैं, 4 टाइप्स के कार्ड्स में 4 एस होते हैं. सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस 52. तो आंसर कितना आ गया, 1/13. अब दूसरा इवेंट हम देखते हैं, उसे हम डिनोट करेंगे इवेंट बी. क्या आना चाहिए, अ स्पेड कार्ड. यानी कि जो आप एक कार्ड निकाल रहे हो वो कौन सा कार्ड है, स्पेड कार्ड. अब आपको पता ही है स्पेड कार्ड यानी क्या होता है, ये जो कार्ड्स हैं इस तरीके से. अब बताइए स्पेड कार्ड कितने होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं. सो आप जो एक कार्ड ड्रॉन करेंगे वो इन 13 में से ही होंगे. सो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ध्यान से देखना है स्पेड कार्ड का ही नंबर हमें लिखना है यहाँ पे, क्योंकि बाकी 3 अलग टाइप के कार्ड्स हैं, डायमंड हार्ट एंड क्लब. 13 होते हैं. तो स्पेड कार्ड्स भी कितने होते हैं, 13. तो क्या है पॉसिबिलिटी आने की, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल्स टू 13. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस. तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 13. एंड हमारे सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 52. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ गई, 13/52. और अगर ये नंबर रिड्यूस होते हैं तो हम कर सकते हैं. सो आंसर कितना आता है, 1/4. तो इस तरीके से हमें एग्जांपल अगर दिया जाएगा तो सबसे पहले हमें सैम्पल स्पेस लिखना है, उसके अंदर के एलिमेंट्स काउंट करने हैं, एंड देन इवेंट लिख के उसकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी. अब हम देखते हैं समरी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया. नाउ यू कैन डिफाइन द प्रोबेबिलिटी. अभी आप प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन बता सकते हो. एंड सेकेंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट. गिवन प्रॉब्लम में जो भी इवेंट हमें दिया रहेगा उसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला. सो आवर अपकमिंग लेसन विल बी ट्रिग्नोमेट्री. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.